दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार विधानसभा में आज फिर एक बार शोर शराबा और हंगामा का माहौल देखा गया। आज विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा विधानसभा में उपस्थित नहीं हुए। उनके जगह पर भाजपा के प्रेम कुमार प्रतिनिधित्व कर रहे थे, सदन चला रहे थे। विधानसभा में विधायकों द्वारा नीतीश कुमार हाय हाय का नारा लंबे समय तक चलता रहा। बाद में विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे प्रेम कुमार ने सदन को स्थगित किया। कहा यह जा रहा है कि कल विधानसभा अध्यक्ष से विधानसभा में नीतीश कुमार की तूतू मैं हो गई। नीतीश कुमार काफी अनाप शनाप विधानसभा अध्यक्ष को कह दिया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष अपनी बैठक कर नाराजगी जताई और अब नीतीश कुमार के इस हरकत के कारण शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है। भीतर ही भीतर जो गुप्त समाचार प्राप्त हुई है कि भाजपा खेमे के विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के साथ नीतीश कुमार ने जिस तरह बेअदबी किया और उन्हें संविधान सिखाने की बात कही, इससे काफी नाराजगी भाजपा खेमे में है। और आज हाय हाय का नारा भी विधानसभा में नीतीश कुमार के खिलाफ लगा। नीतीश कुमार के इस प्रकार के गुस्से और रौद्र रूप को देखने के बाद यह स्पष्ट होता है कि विधानसभा अध्यक्ष की भी बिहार में कोई महत्व नहीं है। मामला लखीसराय से निकल कर आता है, जहां के विधानसभा अध्यक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं और लखीसराय के मामला की पूछताछ के दरमियान वे नीतीश कुमार ने अपने आप से बाहर हो गए और प्रशासन और सरकार का पक्ष लिया। सारे विरोधी सहित भाजपा खेमे में इस बात की मरमड़िंग है कि नीतीश कुमार ने संवैधानिक पद पर बैठे लोगों का अपमान करने का काम किया, जिसके कारण विधानसभा अध्यक्ष काफी आहत हुए। बीच बचाव का कोई उपाय नहीं, नीतीश कुमार केवल पदाधिकारी या प्रशासन का पक्ष लेते हैं, ऐसा आरोप लगता है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, वीडियो को शेयर अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में अवश्य जाकर लिखें। साथ ही साथ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाल बटन और घंटी दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।